शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने बुधवार को 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट आने के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि शिवसेना यूबीटी अपने उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस के सामने नहीं झुकी, क्योंकि इस लिस्ट में 3 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के पास भी उम्मीदवार थे। वो भी दावा कर रहे थे कि हमें यह सीटें चाहिए। इसके बावजूद ये 3 सीटें शिवसेना यूबीटी के हिस्से में गई। सबसे पहले शिवसेना यूबीटी की ओर से दक्षिण मध्य मुंबई, यहां से अनिल देसाई का नाम घोषित किया गया। यहां कांग्रेस के पास मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के लिए यह सीट चाहिए थी। दूसरी सीट सांगली की है। यहां कांग्रेस के पास विशाल पाटिल उम्मीदवार थे, जो कि पूर्व सीएम वसंत दादा पाटिल के पोते हैं। शिवसेना ने चंद्रहास पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने बुधवार को 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट आने के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि शिवसेना यूबीटी अपने उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस के सामने नहीं झुकी, क्योंकि इस लिस्ट में 3 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के पास भी उम्मीदवार थे। वो भी दावा कर रहे थे कि हमें यह सीटें चाहिए। इसके बावजूद ये 3 सीटें शिवसेना यूबीटी के हिस्से में गई। सबसे पहले शिवसेना यूबीटी की ओर से दक्षिण मध्य मुंबई, यहां से अनिल देसाई का नाम घोषित किया गया। यहां कांग्रेस के पास मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के लिए यह सीट चाहिए थी। दूसरी सीट सांगली की है। यहां कांग्रेस के पास विशाल पाटिल उम्मीदवार थे, जो कि पूर्व सीएम वसंत दादा पाटिल के पोते हैं। शिवसेना ने चंद्रहास पाटिल को उम्मीदवार बनाया है।